गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हो एंड आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा ब्लॉग्स पसंद आ रहा हो। तो गाइस, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। देख सकते हो 11 बज गया और 11 बज गया है गाइस। अभी मतलब मैं सो के उठी हूँ क्योंकि पूरी रात मेरा बच्चा मुझे सोने नहीं देता, मुझे मेरे हस्बैंड को। कल तो मॉर्निंग में 5 या 5:30 बजे मिनिमम हम लोग सोए थे। तो ठीक है, आइए कंटिन्यू बने रहिए। तो यहाँ चाय बन रही है, देख सकते हो किचन का कंडीशन क्या हाल है। कोई नहीं होता है, दूध भी बहुत कड़क निकली है। जो भी बच्चे के कपड़े थे वो मैंने धूप में रखे हैं, धूप में रखने से कीटाणु मर जाते हैं। और ये सोई हुई है, जब तक ये सोई है गाइस, जब तक मैं अपना बहुत सारा काम कर सकती हूँ। तो चलो पानी ले लेती हूँ। और मैं सारे प्लांट में पानी डाल दूंगी। गाइस, मैंने अपने सारे प्लांट में पानी डाल दिए हैं। अब देखते हैं आगे, फटाफट जो भी काम होता है मैं करती हूँ। ये भी सब सूख रहे हैं, कम हो गया पानी, इसमें भी डालना है। तो चलिए मैं ये सब करके फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने इसका मालिश कर दिया और नहला दी, फीडिंग करवा दी। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा बच्चा सो जाए तो मैं थोड़ा खाना बना के खाना खा पाऊँ। तो इसकी नौटंकी देख सकते हो आप लोग, सोने का नाम नहीं लेती है। अगर ये सोएगी तो आराम से 2-3 घंटे सोएगी गाइस, क्योंकि नहा लिए, फ्रेश हो गई है तो इसको नींद आनी चाहिए अच्छी। तो मेरा बच्चा सो जा बच्चा, तू मम्मा कुछ काम कर ले, खाना खा ले बना के। तो चलो फिर कंटिन्यू बने रहो। हेलो गाइस, तो मैं कप का नहा चुकी हूँ और जब मैं अपनी बेटी को नहलाई तभी मैं नहा ली थी, लेकिन तब से लेके वो अब भी मतलब 15-20 मिनट पहले ही वो सोई है। तो मतलब वो सोई है, तो मैं कितनी भी थकी हूँ या नहीं, मुझे उठ के जो मेरा काम है वो मुझे करना है। क्योंकि अगर वो जाग जाती है ना गाइस तो कोई भी काम नहीं होता। देखो अभी वो सो रही है, बट मेरा घर पूरा फैला हुआ है तो मुझे सब कुछ पूरा काम कंप्लीट करना है। जितना होगा मैं अभी करूँगी, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है कि वो कब जाग जाए। तो वो जब तक सो रही है तो सबसे पहले मैं कपड़े यहाँ पे मशीन में धुल गए हैं, तो मैं फटाफट से सारे कपड़े समेट लेती हूँ। और मैं कपड़े ना बाहर नहीं डालती हूँ क्योंकि रेगुलर कपड़े धोती हूँ तो इतने कपड़े होते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे के कपड़े की वजह से मुझे रेगुलर कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, 1-2 कपड़े होते हैं तो एक्स्ट्रा वो। और बाहर बहुत ज़्यादा कड़क धूप हो रही है,
गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कपड़े के कलर भी डल हो जाते हैं। सो चलो गाइस, मैं सारे कपड़े रख सुखाने के लिए डाल दूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और मुझे बहुत सारे काम है आज, मुझे सबसे बड़ा काम करना है। अभी मेरे किचन की हालत देखो, मैं खाना बना के खाना खाई हूँ, हैसरी को गोद में लेके मैंने खाना बनाया खाया है, और ये देखो हालत सब पूरा, झाड़ू भी नहीं निकाल पाई हूँ क्योंकि गाइस काम करने क्योंकि गाइस वो कोई काम करने देती नहीं है। और बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, पर वो जागती है जब तक मुझसे कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि वो सोएगी नहीं जब तक मुझे भी चैन नहीं। और जैसे मैं उसके पास से उठती हूँ ना, इतनी ज़ोर से रोती है चिल्ला के, सो मुझे उसके पास बैठना पड़ता है। और एक चीज़ बताती हूँ, सबसे बड़ा काम कौन सा करना है देख सकते हो, ये देख सकते हो हालत, देख रहे हो सारे कपड़े मुझे जमाने हैं, चाहे ये 2 दिन लगे चाहे 1 दिन, पर स्टार्ट मुझे आज से कर देना है। वैसे तो पूरे नहीं जमाने, नीचे का सही है, ऊपर से ही थोड़ा जमाने हैं कपड़े। और सो मुझे सारे काम कंप्लीट करने हैं, सो मैं आज से स्टार्ट करूँगी। यहाँ आप देखो क्या हालत हुआ, क्योंकि आज 2-3 महीने हो गए गाइस जो मैंने कोई काम नहीं किया है। देखो मेरी आवाज़ से वो उड़ गई थी पर वापस सो गई, और मैं अभी घर में ऐसी समझ सकते हो डिलीवरी के बाद थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सो मैं अभी घर में ऐसी रेगुलर दिन में मैं ऐसी नाइट ड्रेस पहन के रह लेती हूँ, और कंफर्टेबल मुझे जो लगता है मैं वही करती हूँ। तो घर पे कोई है नहीं वैसे, सो अभी मेरा बच्चा सो रहा है गाइस, जब तक मैं ये कपड़े अभी करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। मैंने अभी कपड़े डाल दिए सूखने के लिए, ठीक अब ये सूखेगा, अब हम चलते हैं। मैं सबसे पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ, स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सॉरी जब तक मेरा जितना काम होता है गाइस मैं उतना काम कर लेती हूँ, तो फिर नहीं हो पाता है वैसे। तो गाइस मैंने झाड़ू निकाल लिया, अच्छे से कचरा पूरा साफ कर दिया, हम बाकी है किचन साफ करना, सो वो मैं कर लेती हूँ, थोड़ा देखती हूँ। सॉरी है तो मैं कर लेती हूँ, बर्तन तो मैं बाद में साफ करूँगी, पहले मैं ये साफ कर लेती हूँ गैस। सॉरी है फिर
देख सकते हो गाइस, मैंने सबको साफ कर लिया, गैस प्लेपैन सब कुछ, बस बर्तन है थोड़े से जो बर्तन साफ करने में देखूँगी, थोड़ी देर बाद करूँगी। यहाँ भी कर ली, हो गया काम कंप्लीट। अभी मुझे जो काम करने हैं उससे फोकस करती हूँ मैं सबसे पहले जाके। तो गाइस मैं ना सेक्शन चेंज कर रही हूँ, जो मेरे जीन्स थे वो मैं ऊपर रख रही हूँ जहाँ मैंने अपना ड्रेस रखा था, क्योंकि ड्रेस बहुत ज़्यादा है। और तो फिर यहाँ पे मैं ड्रेस रखूँगी जहाँ जीन्स मैंने रखा है, और जीन्स मैं एडजस्ट कहीं भी कर दूँगी, जीन्स रखा जाएगा, बट मैं जो ड्रेसेस हैं वो सारे मैं सेकंड पे रखूँगी, क्योंकि ड्रेस मुझे अच्छे से दिखते नहीं हैं, क्योंकि देखो कैसे कपड़े रखे हैं मेरे। और फिर जीन्स मैं ऊपर रखूँगी, जीन्स तो मेरे ये फर्स्ट और सेकंड में जीन्स आ जाएंगे आराम से, तो मैं जीन्स यहाँ रखूँगी। तो चलो गाइस चलते हैं, मैं बनाने जा रही हूँ अजवाइन की पानी, जो कि काफ़ी टाइम हो गया, सॉरी, मैंने गैस पर रख दिया। अब लेते हैं अजवाइन, तो अजवाइन बन जाए, पानी उबल जाए। देख सकते हो मैं अजवाइन का पानी कितने बजे पी रही हूँ, 4:45। चलो मैं जैसे जैसे काम करती हूँ वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखो मैंने लाइट चालू किया, अभी देखो अच्छे से यहाँ तक मैंने अच्छे से कपड़े रख लिए, और भी रखने हैं बाकी, नीचे का भी सेक्शन मैंने बना लिया है, केवल बाकी है अभी ये सारे कपड़े बाकी है ना, जितने आएंगे ठीक, वरना मैं बैग में भर के अंदर पलंग पेटी में डाल दूँगी, और भी बाहर कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो सारे मैं इसमें तिजोरी में अच्छे से जमाऊँगी जो आएंगे ठीक। विंटर के थोड़े कपड़े हैं जो मैं निकाल के वापस पलंग पेटी में रख दूँगी, सब कुछ अच्छे से करूँगी। अब मतलब रात होने वाली है, वैसे शाम हो रही है, 7:45 होने वाले हैं। सो मैं भी सो गई थी, पर मैं 7 बजे उठ गई थी, बट फिर मैंने इसको झूले में झुलाया, सुला दी। तो फिर अभी मैं सारे प्लांट पे पानी डालूँगी, और मैं चाय बनाऊँगी सबसे पहले। तो गाइस हम यही एंड करते हैं वीडियो का, और तिजोरी मैंने कैसे जमाया है वो कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो पूरा सेट करके फिर मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतने ही, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।